आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं Zen XOS का। आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई Zen XOS और Corvus OS दोनों में से कौन बेहतर है। Zen XOS का मैंने रिव्यू नहीं किया था, तो आप लोगों ने कहा कि रिव्यू करो एंड हम लोगों को बताओ कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है। तो देखो, Zen XOS मैंने इंस्टॉल कर लिया अपने Zenfone Max Pro M1 पे। एंड देखो, सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी है भाई, ये ना काफी ज्यादा कॉमन है Corvus OS के हिसाब से। मतलब इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जो उसके अंदर भी देखने को मिलती हैं, और कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से थोड़ी कम भी हो सकती हैं मे बी, एंड कुछ एडवांस भी हैं। तो सारी चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले तो ऐप ड्रॉअर की बात करें, ऐप ड्रॉअर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, नो डाउट। आप देख सकते हो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इसका खुद का ऐप ड्रॉअर नहीं है। इसके अंदर आपको लॉन्चर, जो लॉन्चर है वो देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब आपको इसके अंदर काफ़ी सारी सेटिंग्स मिलने वाली हैं जो लॉन्चर की होती हैं, तो वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। मैं सारा नहीं दिखाने वाला, क्योंकि वीडियो घंटों के हिसाब से मुझे बनाने का कोई इरादा नहीं है। आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो अभी लाइटिंग थोड़ी सी एडजस्ट कर ली है ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें बेहतर दिखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कर्नल वेरिएंट वर्जन सब चीज़ों की। तो आप देख सकते हो Zen XOS यहाँ पे है, जो कि एंड्रॉयड 10 बेस्ड है। एंड्रॉयड 11 के साथ में अभी Zen XOS नहीं आया है। एंड वर्जन की बात करें तो Zen X वर्जन 1.10 अभी मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें आपको 5 अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। वेल, ये कोई रेगुलर मेंटेन होने वाली कस्टम रॉम नहीं है, तो यहाँ पे आपको रेगुलर सिक्योरिटी पैच अपडेट्स वगैरह नहीं मिलने वाले। एंड वही बात करते हैं कर्नल की, तो इसके अंदर आपको स्मोकी कर्नल देखने को मिलता था, जिसके साथ में मुझे एक इशू फेस हो रहा था कि कई बार मेरा फ़ोन फ्रीज हो जा रहा था किसी भी स्क्रीन पे, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद मैंने डाला है प्रोजेक्ट इन्फिनिटी CAFEAS कर्नल, तो इसके साथ में वो प्रॉब्लम मुझे फेस करने को तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं। एंड अब बात करते हैं प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन की। तो आप देख सकते हैं डिवाइस इज सर्टिफाइड। तो हाँ भाई, Corvus OS से जो लोग इसको कंपेयर करते हैं, आपका कंपेयर करना बिल्कुल जायज़ है, और मैं भी कुछ चीज़ें आपको और बता दूंगा जो मैंने नोट की हुई हैं, या फिर अगर आप लोगों को मिले तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी लिख देना, ताकि बाकी लोगों की भी मदद हो जाए अगर बाई चांस मैं मिस कर जाता हूँ। तो प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन आपको पास मिलता है, जिसका मतलब आप अपने डिवाइस पे सभी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, मतलब जो भी प्ले स्टोर आपको प्रोवाइड करता है डाउनलोड करने के लिए वो सब। एंड अब बात करते हैं सेफ्टी नेट टेस्ट की। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल रिजल्ट हमारा पास का आता है, जिसका मतलब आप अपने डिवाइस पे सभी बैंकिंग एंड पेमेंट ऐप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल, जैसा Corvus OS में हुआ करता था वैसा इसमें है, मैं अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। अभी तक एक भी एप्लीकेशन मुझे ऐसी नहीं मिली है जो ये मुझसे कह रही हो कि नहीं, हम नहीं चलेंगे, तो सभी एप्लीकेशन काम करती है। DRM इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सिक्योरिटी लेवल हमेशा की तरह L3 का मिलता है, यानी कि आप SD कंटेंट OTT प्लेटफॉर्म्स पे देख पाओगे, HD नहीं देख पाओगे, लेकिन सब पे नहीं, कुछ चुनिंदा OTT प्लेटफॉर्म पे होता है, प्राइम वीडियो एंड नेटफ्लिक्स। एंड हाँ, प्राइम वीडियो मैं खुद यूज करने लगा हूँ, अभी मेरे को फ्री में दरअसल मिल गया था एक महीने के लिए, तो वो मैं यूज कर रहा हूँ, तो आप कर सकते हो एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हो। एंड अब बात करते हैं सिक्योरिटी सेक्शन की। तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो मैंने पर्सनली ट्राई किया है काफी ज्यादा, हफ्ते भर से मैं इसको यूज कर रहा हूँ एंड काफी अच्छा रहा है फिंगरप्रिंट का एक्सपीरियंस। फेस अनलॉक भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, और वो भी मेरे ख्याल से अच्छे से काम करना चाहिए। मैंने उसको ट्राई नहीं किया है, आप लोग ट्राई कर सकते हो, दिया है तो काम भी जहां तक है करता ही होगा। वहीं अगर बात करते हैं एनिमेशन की, तो आप ये एनिमेशन ऊपर देख सकते हो, ये सेम वही एनिमेशन है जो आपको Corvus OS 8N जो मैंने लास्ट यूज किया था उसके अंदर देखने को मिलता है, तो हाँ ये काफी ज्यादा कॉमन है उससे। नीचे आप देख सकते हो ऐप लॉकर, तो ऐप लॉकर भी आपको मिलता है इसके अंदर, जो कि Corvus में भी मिलता था, तो हाँ भाई ये चीज भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। बात करते हैं कैमरा टू API की, तो लेवल 3 का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब आप गूगल कैमरा यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। वेल, मैंने गूगल कैमरा इसके साथ में ट्राई नहीं किया है, लेकिन आपको सपोर्ट मिलता है एंड आप चला सकते हो। और कौन सा गूगल कैमरा आपको इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने चैनल पे 2-3-4 गूगल कैमरा पर वीडियो बनाई है, आप उनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। और बाय डिफॉल्ट अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको गूगल कैमरा गो मिलेगा, जिसके साथ में आपकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगी, मतलब आप हाँ अपने बेसिक से सभी काम कर सकते हो। एंड अब बात कर लेते हैं रैम मैनेजमेंट की। तो भाई रैम मैनेजमेंट मतलब ऑसम, ऐसा ना मुझे बहुत कम रोम के अंदर देखने को मिला है। 2.2 GB रैम इस्तेमाल में ले रहा है, बाकी की 3.8 GB रैम हमारी फ्री है। मतलब रैम मैनेजमेंट के मामले में ना कह सकते हो कि अब तक की सबसे अच्छी रोम अगर मुझे कोई लगी है तो वो Zen XOS 1.10 वर्जन है। मतलब कमाल है, आपके सामने रिजल्ट्स हैं, आप लोग देख सकते हो। 3 GB 4 GB वाला भी आप वेरिएंट यूज करोगे तो मुझे उम्मीद है वहां भी आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। इन साउंड क्वालिटी की बात करते हैं, तो साउंड क्वालिटी भाई साहब जैसी ओरिजिनल में आपको मिलती है वैसी ही मिलती है, थोड़ी सी बेहतर भी हो सकती है, बेकार तो होने से रही,
तो साउंड क्वालिटी के साथ में मुझे कोई इशू नहीं है। ब्लूटूथ हेडफोन के साथ में आप सुनोगे ना तो माइंड ब्लोइंग, मतलब कल रात मैं यूज़ कर रहा था तो एकदम मज़ा आ गया। और वायर्ड ईयरफोन के साथ में अगर आपका ईयरफोन अच्छा है तो भी आप मज़े ले सकते हो, एंड स्पीकर की भी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमाइज एंड काफ़ी ज़्यादा एनहेंस्ड है, तो साउंड आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं देगा। वहीं बात करते हैं ईयरपीस वॉल्यूम की, तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, आपको हो सकता है कॉल के टाइम पे उसको थोड़ा सा कम करना पड़ जाए, कहीं आसपास वाले आपकी बातें ना सुन लें, तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हाई है, थोड़ा सा कम करके आप उसको इस्तेमाल करना। एंड अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो भाई देखो चाहे आपका मोबाइल डेटा हो, वाईफाई हो, हॉटस्पॉट हो, ब्लूटूथ हो, सब कुछ अच्छे तरीके से काम कर रहा है। किसी ने भी मुझे ऐसा मौका नहीं दिया कि मैं आपके सामने उसकी बुराई करूं, सारी चीज़ें परफेक्टली काम कर रही हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली उन चीज़ों को भी यूज़ करने में। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। सभी लिंक वगैरह जो भी होते हैं मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डालता रहता हूँ चैनल पे अपने, और जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी मेंशन करता रहता हूँ। एंड अब बात करते हैं वॉल्टी एंड वाईफाई कॉलिंग की, तो यार ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे ना ज़ेन OS वालों ने खरीद लिया हो। लेकिन क्या करूँ यार, बुराई तो मैं नहीं कर सकता ना जब तक मुझे कोई चीज़ नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन जो है वो मैं आपको बताऊँगा जो भी मुझे मिलता है, मतलब अगर होता है तो। लेकिन सारी चीज़ें अभी तक तो अच्छी अच्छी हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छी रॉम एक हो सकती है। एंड भाई चार्जिंग की टाइम बात करते हैं, तो देखो चार्जिंग टाइम यार बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब 3 घंटा मेरे ख्याल से पूरा लगता नहीं होगा जैसा मुझे पर्सनली लगता है, 3 घंटे से पहले पहले मेरा फ़ोन ना फुल चार्ज हो जाता है। और हाँ बैटरी बैकअप मुझे इसका थोड़ा सा कम लगा है, आप लोग यहाँ पर रिजल्ट में भी देख सकते हो 8 घंटे का, जबकि बाकी रोम जो मैं रिव्यू करता हूँ ना उनमें 10, 11, 12 घंटे का होता है, तो बैटरी बैकअप मुझे थोड़ा सा कम लगा है। मैंने कर्नल चेंज कर लिया उसके बाद भी कम है, कर्नल मैंने चेंज नहीं किया था उसके बाद भी कम था, तो बैटरी बैकअप के मामले में मुझे इतनी ज़्यादा ये रोम अच्छी नहीं लगी है। बाकी तो चीज़ें हाँ इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जैसे मैंने पीछे तारीफ भी की थी, बैटरी बैकअप में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। एंड गेमिंग परफॉर्मेंस हीटिंग के बारे में बात करें, तो भाई देखो गेमिंग परफॉर्मेंस मेरा क्या मानना है, इतने सारे रोम रिव्यू करने के बाद में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सारी चीज़ें डिपेंड करती है कर्नल पे और आपका जो रैम मैनेजमेंट है वो कैसा है डिवाइस का। तो हाँ रैम मैनेजमेंट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, कर्नल भी मुझे ठीक लगा है, तो भाई आप गेमिंग आराम से कर सकते हो। एंड डिवाइस हीटिंग की बात करें तो कुछ दिन और रुक जाओ, अभी शायद हीटिंग होने लगेगी, अभी डिवाइस हीट नहीं होता है क्योंकि अभी सर्दियों का अंत पूरी तरह से हुआ नहीं है, तो अभी डिवाइस हीट नहीं होता है। एंड कुछ एडिशनल चीज़ों की अब मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों से, तो देखो कॉल लॉग्स की बात करते हैं। कॉल लॉग्स का क्या होता है ना, आपने किसी को कॉल किया एंड कॉल कट कर दिया, तो कॉल लॉग में आपकी जो कॉल है वो अपडेट नहीं होती है जब तक आप कॉल लॉग के ऐप को बंद करके दोबारा से ऑन ना करो, तो ये एक मेरे को कमी इसमें देखने को लगी है, मतलब साथ के साथ अपडेट होना चाहिए लेकिन अपडेट नहीं होता है, जब आप उसको दोबारा खोलोगे तब होगा। और एक और चीज़ जो मैंने आपको बताया, अगर आप डिफॉल्ट कर्नल के साथ में इसको इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो स्क्रीन है कई बार फ्रीज हो जाएगी किसी भी स्क्रीन पे किसी भी ऐप में, वो चीज़ एक मुझे गलत लगी, मैंने कर्नल चेंज किया उसके बाद से ये चीज़ फिक्स हो गई है। एंड एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी है वो ये है कि इसके अंदर आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है, तो आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ में, इंटरनल ऑडियो का सपोर्ट भी इसमें है तो आप वो चीज़ भी कर सकते हो इसके अंदर। एंड एक और चीज़ की अगर बात करें तो इसके अंदर मुझे एक ऐसा फीचर देखने को मिला है जो कभी अब से पहले मैंने किसी रोम में शायद नहीं देखा था या ध्यान नहीं दिया होगा, फुल स्क्रीन कॉलर फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे आप इसको ऑन करोगे तो जब कोई आपको कॉल करेगा तो उसका फोटो अभी तो छोटा सा आया करता है यहाँ पे गूगल डायलर में, लेकिन जब वो फोटो फुल स्क्रीन पे आया करेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कई केसेस में, कुछ में नहीं भी लगता है, तो आपकी पसंद है जैसा आपको बेहतर लगे आप वैसा यूज़ कर सकते हो। बाय द वे मैंने 1 से 2 दिन यूज़ किया था फिर उसके बाद मैंने उसको यूज़ नहीं किया। एंड एक और चीज़ की बात करूँ तो जब आप इसमें ना सॉन्ग्स प्ले करते हो तो एक अमेजिंग चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, वो क्या है जब आप वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करोगे। फिलहाल मैंने सॉन्ग प्ले किया हुआ वॉल्यूम बंद किया हुआ है, कॉपीराइट भी कोई चीज़ होती है उससे बचने के लिए, तो बटन के साथ में ना आपको पूरा का पूरा प्लेयर मिल जाएगा जिसमें आपको एल्बम आर्ट भी दिखेगी सॉन्ग भी दिखेगा, एंड यहाँ से आप उसको पॉज प्ले नेक्स्ट कर सकते हो। एंड अब क्विक टॉगल्स की बात करते हैं, तो कॉर्वोस OS में मैंने आपको दिखाया था, इसमें भी दिखाना बनता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लोज है दोनों, तो आप देख सकते हो भर भर के आपको यहाँ पे क्विक टॉगल्स या क्विक सेटिंग्स मिल जाती हैं, जितने आपको यूज़ करनी है जब तक आप थक नहीं जाते तब तक आप यूज़ करो, ये नहीं मानने वाले। एंड सेटिंग्स में आते हैं, यहाँ आपको कस्टमाइजेशन भी बहुत सारी मिल जाती हैं। जेन हब के अंदर आपको आना है सेटिंग्स में, यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग तरह की कस्टमाइजेशन आपको मिलती है। पहले स्टेटस बार देख लेते हैं, तो स्टेटस बार के अंदर ब्राइटनेस कंट्रोल, डबल टैप टू स्लीप, क्लॉक आइकन आपके पोर्ट्रेट स्टाइल में होने चाहिए या फिर आपका बैटरी के साथ जो परसेंटेज है किस तरह से होनी चाहिए, बैटरी बार, नेटवर्क स्पीड, कैरियर लेवल, कस्टम लेवल और लोगो इनका अपना अगर आप ऑन करना चाहते हो Zen XOS का, अपने स्टेटस बार में दिखा देता हूं ऑन करके ऊपर आ गया है तो देख सकते हो, नोटिफिकेशन काउंट, ब्लूटूथ बैटरी स्टेटस, 4G आइकन और पता नहीं दुनिया भर की कितनी सारी चीज़ें आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। वहीं क्विक सेटिंग्स की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हो इसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो क्विक सेटिंग वाले सेक्शन में यहां पे जो ये होती हैं, तो भाई कस्टमाइजेशन
लाइटिंग के मामले में इतनी सारी चीज़ें, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कर करके, आपको सारी समझ में भी नहीं आने वाली। नोटिफिकेशन पैनल की बात करें तो आप नोटिफिकेशन पैनल में भी देख सकते हो कितनी सारी सेटिंग्स आपको मिलती हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप सब देख सकते हो एंड स्विच कर सकते हो। मैं आपको सारी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी लंबी हो गई है और लंबी मैं इसको नहीं करना चाहता। वहीं वापस चलते हैं तो लॉक स्क्रीन में भी आप काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ आपको मिलती है। एक बुरी चीज़ मुझे लगी, जब भी मैं इसको बैक करता हूँ ना, ये बिल्कुल मेन्यू में बाहर आ जाता है जबकि यहाँ पे आना चाहिए इसको बैक होने के बाद में। वहीं नेविगेशन की बात करते हैं तो नेविगेशन बार, पल्स भी आपको मिल जाती है, एरो की मिल जाते हैं, सिस्टम नेविगेशन आप यहाँ से चूज कर सकते हो कौन सा रखना है, 2 बटन 3 बटन बिना बटन वगैरह वगैरह जो भी आपको करना है। एंड नीचे आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, लॉन्ग स्क्रीन स्वाइप, लॉन्ग स्क्रीन शॉट, पावर मेन्यू भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, इसके अलावा वॉल्यूम कंट्रोल, भाई बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप देखो यूज़र इंटरफेस में आप काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, एक्सेंट कलर चेंज कर सकते हो, आइकन शेप चेंज कर सकते हो, मतलब के भर भर के चीज़ें मिलती हैं। मिसलेनियस में भी आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाती हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, स्क्रीनशॉट टाइप आपको लॉन्ग चाहिए, ड्रैग वाला चाहिए, किस तरह का चाहिए, और बैटरी वाली चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। एंड डिवाइस पार्ट भी आपको मिल जाता है यहाँ पे, जेन पार्ट मिल जाता है जिसके अंदर आपको मतलब आप समझ सकते हो किस तरह की चीज़ें मिलती हैं, स्पेक्ट्रम वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बैक लाइट डिमर, डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन, एम्बेंट डिस्प्ले जेस्चर, और इसके अंदर ना आपको जो एज लाइटिंग होती है वो भी देखने को मिल जाती है। तो मतलब इतने सारे फीचर हैं, तो कमी तो आपको किसी चीज़ की नहीं लगेगी, बस कुछ चीज़ें हैं जो ठीक से काम नहीं करती हैं, बग वगैरह हो सकते हैं। एंड बाय द वे मैं इसके साथ में ओपन जी एप्स यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों को सोचा बता दूँ, वो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि एंड्रॉइड 10 के साथ में आता है। और हाँ, जो लोग कंपेयर कर रहे थे इसको कॉर्वस ओ एस 8 के साथ में, तो भाई बिल्कुल ठीक है, या सही बताऊँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये डिसाइड करना कि वो ज़्यादा बेहतर है या ये ज़्यादा बेहतर है। बैटरी पर्पज़ से अगर देखें तो मुझे कॉर्वस ज़्यादा अच्छी लगती है, और फीचर के हिसाब से देखें तो दोनों के अंदर आपको लगभग सेम मिल जाते हैं, दोनों ही में एक जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। बैंकिंग ऐप्स वगैरह की बात करें तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, बैटरी बैकअप के बेस पे आप लोग चूज़ कर लेना, और बस अब इससे ज़्यादा मैं आप लोगों के और इससे ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए क्या कहूँ। तो बस यही था आज का ZenX OS का रिव्यू, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, मन में कोई सवाल सुझाव कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन करना प्रेस, ताकि आने वाले वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहे। मैं आपसे मिलता हूँ आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।